देखिए, अगर आप गांव के होंगे तो गांव में गांव के चारों तरफ तालाब हुआ करता था और बरसात का पानी उसमें संचित होता था और जो वाटर रिचार्ज का काम करता था। आप जाइए तो मैक्सिमम गांव में तालाबों को पाट दिया गया, तालाब नहीं है। शहरों में तालाब होते थे, शहरों में तालाब नहीं रह गए। तो और ज़्यादातर भूभाग जो है शहरों में देखिए तो सब कंक्रीट की फर्शें बन गई हैं। तो जो देखिए रिचार्ज का सिस्टम ही लगभग समाप्त हो गया है। जल हमारा जल ही जीवन ये कहा जाता है और हमारा ग्राउंड वाटर जो हमारा भूजल है वो बुरी तरह से प्रदूषित हो गया है उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में और उसको लेकर जल निगम एक गंभीर योजना पर काम कर रहा है। हमारे साथ जल निगम के चीफ इंजीनियर द्विवेदी साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर उत्तर प्रदेश में भूजल की क्या स्थिति है और ये पता चल रहा है कि लगभग सभी जनपदों में अब चिंताजनक स्थितियों तक हम पहुँच गए हैं। जल निगम इन सब पे काम कर रहा है और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर शहरों में लैब, डिस्ट्रिक्ट लैब बने हुए हैं जो पेयजल का जो है परीक्षण करते हैं और जिसका परीक्षण लगातार हो रहा है और जो जनपद ऑलरेडी वहाँ पे पानी उस क्वालिटी प्रॉब्लम है, जैसे फ्लोराइड है, आर्सेनिक है या सेलाइन वाटर है, उन जनपदों में सरफेस वाटर बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जैसे फिरोजाबाद है, आगरा, मथुरा और उन्नाव, उन्नाव में फ्लोराइड और आर्सेनिक का प्रॉब्लम है, फिरोजाबाद में पूरा का पूरा सेलाइन वाटर है, आपके आगरा में भी पानी फ्लोराइड और सेलाइन की प्रॉब्लम है और मथुरा में भी ये है, फिरोजाबाद में भी यही प्रॉब्लम है। तो इस पर जो है सरफेस वाटर स्कीम बन रही है जिसमें गंगा नदी से पानी ले करके और सप्लाई जो है दिया जाएगा। मध्य उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, अवध के जनपदों की क्या स्थिति है? अवध के जनपदों में भी जैसे आप सुल्तानपुर और अमेठी, आपका जो है प्रतापगढ़, इन सब में पानी खारा पानी मिल रहा है और धीरे धीरे खारा पानी का जो है वो मात्रा बढ़ता जा रहा है। उसका पूर्वांचल में भी जैसे बलिया में फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी सरफेस वाटर बनाने जा रहे हैं, गंगा नदी और घाघरा से जल लेकर के वो सरफेस वाटर बनाया जा रहा है। क्या ये जो सरफेस वाटर का प्लान है, क्या बड़े बड़े पॉन्ड जनरेट करेंगे, तालाब की तरह पानी को रोकेंगे, स्टोर करके फिर उसको आगे साफ करके देंगे? नहीं, गंगा नदी से पानी इंटेक वेल बनाएंगे, गंगा नदी में और घाघरा में उससे पानी लेकर के ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे और ट्रीट करके पानी जो है क्लोरिनेशन के बाद लोगों को पीने के लिए देंगे और पानी वहाँ पे लैब भी होगा, पानी का टेस्ट होगा। तो ये ज़्यादातर जो भूजल हमारा है, भूगर्भ जल है, वो ज़्यादा पोल्यूटेड है, उसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड और सेलाइन वाटर, आयरन, ये सब की मात्रा ज़्यादा पाया जा रहा है। अभी जितने सरफेस वाटर की हमारी नदियाँ हैं इन सब में हैवी मेटल्स नहीं हैं, लेकिन हमारे जो भूगर्भ जल हैं उनमें हैवी मेटल्स मिलने लगे हैं। क्या भूगर्भ जल हमारा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में प्रदूषित हो गया है? अभी तो बहुत से ऐसे जनपद हैं जहाँ पानी अच्छा मिल रहा है और जैसे लखनऊ का पानी भी, सीतापुर, ये सब के पानी अच्छे हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी फ्लोराइड भी बढ़ रहा है, आर्सेनिक की मात्रा भी बढ़ती जा रही है और सेलाइन वाटर तो सामान्य तौर पे बढ़ता जा रहा है। जैसे जौनपुर में भी सेलाइन हो गया, गाजीपुर का काफ़ी एरिया सेलाइन हो गया है, आजमगढ़ का काफ़ी एरिया सेलाइन हो गया है। इसका मुख्य कारण सर क्या है कि ये जो हमारा संचित जल जो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें संचित जल दिया है धरती के नीचे जो सुरक्षित था कि किसी आपदा में हम उसका इस्तेमाल कर लें जब हमें पानी ना मिले, ये जो संचित हमारा जल है एक बहुत बड़ा संसाधन जिसे हमें सुरक्षित आने वाली पीढ़ियों को देना था लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं, अभी से प्रदूषित है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, अगर आप गांव के होंगे तो गांव में गांव के चारों तरफ तालाब हुआ करता था और बरसात का पानी उसमें संचित होता था और जो वाटर रिचार्ज का काम करता था। आप जाइए तो मैक्सिमम गांव में तालाबों को पाट दिया गया, तालाब नहीं है। शहरों में तालाब होते थे, शहरों में तालाब नहीं रह गए। तो और ज़्यादातर भूभाग जो है शहरों में देखिए तो सब कंक्रीट की फर्शें बन गई हैं। तो जो देखिए रिचार्ज का सिस्टम ही लगभग समाप्त हो गया है। अब गवर्नमेंट ने इस पे
सोच उनकी बढ़ी है, इस पर काम भी काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन हमें उतनी सफलता भी नहीं मिल पाई है जितना मिलना चाहिए। और इसमें जन जागरूकता की ज़रूरत है, हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे पानी को संचित करें, अपने वाटर टेबल को बढ़ाएं। अति दोहन के कारण जो भूजल में पानी की मात्रा कम हुई, तो हमारे जो भी वहाँ अंदर के एलिमेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया। जैसे फ्लोराइड जो है, जब पहले 0.2 ppm था, वो धीरे धीरे अब उसका लेवल जो है एक्सेप्टेबल लेवल से ज़्यादा हो गया। तो जब एक्सेप्टेबल लेवल से ज़्यादा हो गया तो अब वो पानी लोग ड्रिंक पी नहीं सकते, पीने के योग्य नहीं है। इसी तरह TDS भी एक लिमिट था, अब TDS की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती गई, पानी जो है कम होता गया और उसकी मात्रा जो है इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनकी मात्रा जो है उस रेशियो में उनका बढ़ने के कारण वो अपने एक्सेप्टेबल लेवल से और कन्फर्मेशन लेवल से वो ज़्यादा हो गए हैं, और जिसके कारण इस जो है अब ड्रिंकिंग वाटर में इनकी मात्रा बढ़ जाने से अब पानी वो पीने योग्य नहीं हो गए हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट फ्लोराइड यूनिट लगा रही है, आर्सेनिक यूनिट लग रहे हैं, और सबसे बड़ा जो है सैलाइन वाटर के लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट पॉलिसी है उसके तहत में RO है, जिसमें रिजेक्शन ज़्यादा है और 40% के आसपास पानी रिजेक्शन में चला जाता है, और जिसके कारण जो है उसको हम लोग एडाप्ट नहीं करते कि RO सिस्टम बड़े सिस्टम से लगाए जाएं कि लोगों को पानी मीठा पानी मिले। तो इसके लिए जो है ज़्यादातर है कि सरफेस वाटर का ही चूज किया गया है कि सरफेस वाटर ऐसी जगहों बनाए जाएं, नदियों से, तालाबों से, बड़े बड़े जो झील हैं उनसे पानी लेकर के ट्रीट करके ड्रिंकिंग वाटर में उपयोग किया जाए। अच्छा, जो एक बड़ी योजना सरकार लेकर आई है जिसमें उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आबादी को आप जो है पाइप पेयजल योजना से जोड़ रहे हैं, तो वो भी क्या एक समाधान होगी समस्या का? देखिए, भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और पेयजल जो है बहुत आवश्यक है, कहते हैं जल ही जीवन है, तो उसके तहत पेयजल का जो ये घर घर देने का है, और टैप्ड वाटर का मतलब है कि उनको जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों फिक्स है, किस क्वालिटी का पैरामीटर का हमें पानी देना है, इस जल जीवन मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन ये बना हुआ है इस काम के इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसमें बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है कि जो गांव के लोग वंचित थे शुद्ध पेयजल से, उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का ये जल जीवन मिशन में काम चल रहा है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जनोपयोगी और बहुत ही लोगों के स्वास्थ्यप्रद है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद गाँव में एक जागरूकता आएगी कि शुद्ध पेयजल उनको प्राप्त हो, शुद्ध पेयजल ही वो पिए, और जिसके कारण उनके जो जल जनित बीमारियां हैं, जैसे गांव में डायरिया हो जाता था, गांव में आजकल देखिए कैंसर की बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लीवर का, किडनी फेल होना, ये सब जो है हमारे सिस्टम को जो इफ़ेक्ट करता है, वो जितना ही दूषित पानी लोग उपयोग करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। जब हम पानी अच्छा पियेंगे, शुद्ध पियेंगे, खान पान अच्छा होगा तो आदमी स्वस्थ होगा, जो बीमारियों पर खर्चा हो रहा है वो कम होगा। तो गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और ये मिशन मोड में इस पर काम चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जो भारत सरकार का एक टाइम दिया हुआ है 24 मार्च तक घर घर पानी लोगों को मिलने का। एक अंतिम प्रश्न हम करेंगे कि ग्राउंड वाटर हमारा जो संचित जल, भूगर्भ जल हमारा प्रदूषित हो रहा है, उसके मुख्य कारण क्या है? दोहन के अतिरिक्त इंडस्ट्रियल रीजंस उसके क्या हैं? समाज की लापरवाही ऐसी कौन सी है जिस वजह से वो संचित जल जो बहुत शुद्ध था पहले और जो जिसको सुरक्षित रखना हमारा दायित्व था आने वाली जनरेशन्स के लिए, वो भी प्रदूषित हो रहा है और जहर में तब्दील हो रहा है? देखिए, इसके कई रीजंस हैं। पहले हम लोग नदियों की पूजा करते थे, नदियों में वेस्ट वाटर नहीं डालते थे। आज जो सबसे बड़ी, हम लोग पढ़ लिख लिए लेकिन पढ़ने के बाद भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मिलावट हुआ है तो अब होने लगा है। तो इस तरह पानी में भी एक तरह से दूषित करना मिलावट ही है, और इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक्शन है, क्रिमिनल ऑफेंस इसको माना जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट को लोग सीधे ले जाके नदी में मिला देते हैं, उनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए,
अच्छा, उनका जो भी ETP वगैरह लगना चाहिए वो क्या कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, तो उसके ट्रीटमेंट की उनके पास व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो व्यवस्था नहीं है जिसके कारण नदियों में लोग पानी डाल दे रहे हैं सीधे, इस पर गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियस है, बड़ा तेज़ी से पे काम हो रहा है। और नदियों का जो लेवल आज के 5 साल 10 साल पहले जितना होता, आज पैरामीटर काफ़ी उसका अच्छा हुआ है, लेकिन अभी पीने लायक नहीं है। नहाने लायक तो हो गया, लेकिन हम अभी नदी के पानी को पीने लायक नहीं बना पाए हैं, जिस पे अभी समय लगेगा और गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है। और जो नदियों का पोल्यूशन, पोल्यूट होना ही हमारा जो है ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो रहा है, क्योंकि वही परकुलेशन से पानी नीचे जाता है। और आप चले जाइए कानपुर में, देखिए लोग क्रोमियम यूज करते हैं टेनरी के लिए, ट्रेनिंग के लिए चमड़े की, तो उसके प्रॉपर डिस्पोजल जो होना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो हमारे जागरूकता भी की कमी है कि हम अगर इंडस्ट्री लगाए हैं, हम तो जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बगल वाला नहीं जानता। अगर वहाँ आसपास के लोग भी उसका विरोध करें कि भाई ये गंदा पानी आप नदी में क्यों डाल रहे हो, तो ये सब चीज़ों की जागरूकता की कमी हुई है, लोगों में कमी है। पहले लोग धर्म के नाम पे लोगों को कहा करते थे भाई ये देखो गंदा पानी नदी में मत डालो, नदी में कपड़े मत निचोड़ो, नदी में थूकना अपराध मानते थे। लेकिन अब ये चीज़ें सारी जब हम लोग पढ़ लिख लिए, लेकिन अब इसको जो है गंदा पानी को नदी में छोड़ना एक जैसे कल्चर में आ गया है। घर बनाए नदी किनारे है तो उन्होंने पाइप डाल के सीधे नदी में डाल दिए, तो ये समस्याएं बहुत आ रही हैं कि छोटी छोटी नालियाँ नदी में जाके मिल रही हैं। अब उसको गवर्नमेंट के सामने समस्या है, उसको कैसे कलेक्ट करके और ले जाके ट्रीटमेंट प्लांट में डाले। पता लगा कि आधा MLD पानी जा रहा है, तो कहते हैं लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा पानी हम डाल रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वही पानी धीरे 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 एक्युमुलेट हो करके और उसके जो है नदी के पैरामीटर को ख़राब करता है। पहले नदियों में जो जलीय जंतु थे वो आज देखिए सब मरते जा रहे हैं, कहाँ दिखते हैं, बहुत कम दिख रहे हैं। तो जल, नदियों के जल को शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, इस पर गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है और निकट भविष्य में अच्छा इसका रिजल्ट आना चाहिए। तो द्विवेदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और ये अब हम सब की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, जो उद्योग चला रहे हैं, फैक्ट्रियां प्लांट चला रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि प्रकृति से खिलवाड़ ना करें। आप प्रकृति को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नुकसान समाज को हो रहा है, आपके बच्चों को हो रहा है, आपको हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान होगा इसका। इसके लिए हमें सजग रहना होगा, सरकार भी सजग है लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।